बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर का वो मॉलिक्यूलर वेट हम फाइंड करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट, एक्सट्रीमली लार्ज मॉलिक्यूलर वेट्स आर ऑब्जर्व्ड इन पॉलीमर्स विद वेरी लॉन्ग चेन्स। क्योंकि लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं तो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स का जो वेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस नॉट ऑल पॉलीमर चेन्स विल ग्रो टू द सेम लेंथ। This results in the distribution of chain length and molecular weight। जब आप कोई एक पॉलीमर लेते हैं तो उस पॉलीमर के अंदर कोई मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलर होगा, यूज स्मॉलर होगा, और उस डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। कोई मॉलिक्यूल ये इस तरह का होगा, कोई इतना बड़ा मिल जाएगा, कोई छोटा होगा, कोई और बड़ा होगा, कोई और होगा, कोई और होगा। तो आप एक मॉलिक्यूल, तो अब जब आप पॉलीमर लेंगे तो उस पॉलीमर के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके अंदर किसी का वेट ज़्यादा होगा और किसी का वेट कम होगा। ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस नॉट ऑल पॉलीमर चेन्स विल ग्रो टू द सेम लेंथ। दिस रिजल्ट्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चेन लेंथ और मॉलिक्यूलर वेट। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है तो पॉलीमर चेन एक जैसे ग्रो नहीं करती, लिहाजा किसी की लॉन्ग चेन होगी और किसी पॉलीमर की जो चेन है वो स्मॉल होगी। रिजल्ट क्या होगा कि उसका जो वेट है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट हो जाएगा। लिहाजा हम एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे। एन एवरेज मॉलिक्यूलर वेट मे बी डिटरमाइंड यूजिंग टू मेथड्स। ये दो मेथड हैं और एक मेथड का नाम है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और दूसरे मेथड का नाम होगा वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। एक को हम कहते हैं MN और दूसरे को हम कहते हैं MW। ये दोनों एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हैं और इसका एक का जो नेम है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर है और दूसरे का नेम है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो इन दोनों को हम अलग अलग स्टडी करते हैं और एक एग्जांपल के ज़रिए हम MN और MW फाइंड करके भी देखते हैं। मॉलिक्यूलर वेट जो एक है उसे हम कहते हैं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, MN से डिनोट करते हैं, और इसमें कहते हैं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट MN इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द चेन इनटू सीरीज ऑफ साइज रेंजेस, सीरीज ऑफ साइज रेंजेस होंगी, एंड फाइंडिंग द नंबर फ्रैक्शन ऑफ द चेन विद इन द रेंज। एक फार्मूला है सिंपल सा MN बार वाला, और MN बार का फार्मूला होता है सिग्मा XI इंटू MI। सिग्मा XI की वैल्यू हम ले लेंगे, MI की वैल्यू ले लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। और यहाँ पर MI क्या चीज़ है, MI इज़ द मीन मिडल ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। मिडल ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट कैसे होगा, अगर आप इसको देखें यहाँ पर तो ये है जी 5 और ये है जी 10 मॉलिक्यूलर वेट है, और मॉलिक्यूलर वेट को 10^3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। 5 का मतलब है 5000 और 10 का मतलब है 10000 और 15 का मतलब है 15000 और 35 का मतलब है 35000। इसके अंदर जो M की वैल्यू होगी वो होगी इसका जो मिडल वैल्यू है। मिडल वैल्यू कैसे है, 5 + 10 = 15, 15 को 2 से डिवाइड कर दें तो यह आ गया 7.5। 7.5 को आप 10^3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा MI। एक MI इस रीजन की हम फाइंड कर लेंगे, इस MI इस दूसरे रीजन की भी, तीसरे रीजन की भी, चौथे रीजन की भी, पाँचवें की भी, छठे की भी, सातवें की, तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई, और डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखें, इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो यू बनती है। ये देखें, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व थी, और इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को इस तरह हमने सेगमेंट के अंदर डिवाइड कर लिया। ये जो पहला सेगमेंट है ये 5 से लेकर 10 तक, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी मॉलिक्यूलर वेट 5 से 10 तक है तो उसका जो नंबर फ्रैक्शन है वो इतना है। अब ये जो नंबर फ्रैक्शन है ये XI है, तो XI हम ले लेंगे, MI ले लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास MN की वैल्यू आ जाएगी। इसमें MN की वैल्यू हमने ले ली 5 + 10/2, 15/2, 7.5। यहाँ पर एक वैल्यू 7.5 आ गई, और ये जो वैल्यू है ये इन दोनों के दरमियान होगी। तो एग्जैक्ट अगर ये 0.1 है तो यहाँ पर शायद 0.5 की यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाए। दूसरे सेगमेंट में आएंगे तो दूसरे सेगमेंट के अंदर ये 10 और 15 है, इसकी मिडिल वैल्यू ले लें तो इसकी जो मिडिल वैल्यू है वो ये होती है। तो इसकी मिडिल वैल्यू कैसे आएगी, 10 + 15/2, और इसको स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिडिल वैल्यू, और XI की वैल्यू जो है वो इसके साथ सीधा जहाँ पर जाएंगे तो ये XI की वैल्यू आ जाएगी। चौथा जो इसका पोर्शन है वो 15 और 20 का है, 15 और 20 की मिडिल वैल्यू जो है वो ये आ जाती है। मिडिल वैल्यू लेने के लिए 15 और 20 का सम करके 2 पर डिवाइड कर लेंगे,
एम आई की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर इसकी यहाँ कोई वैल्यू हम देखेंगे तो ये एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करने और आखिर में हम इसकी एवरेज ले लेंगे सब सेगमेंट्स की, तो हमारे पास आ जाएगा एम एन। और इसी तरह ये जो आखिरी सेगमेंट है 35 और 40 है, 35 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, तो ये वैल्यू दरमियान वाली आ जाएगी, एम आई आ जाएगी, और इसका सामने यहाँ पर चले जाएंगे तो ये एक्स आई वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है एम आई इज़ द मीन और मिडल वैल्यू ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द साइज रेंज आई एंड एक्स आई इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चेन विद इन द कॉरस्पॉन्डिंग साइज रेंज। तो ये एक्स आई है वाई एक्सेस में, और जो एम आई की वैल्यू है वो एक्स एक्सेस में दी हुई है। ये जो मेथड है इस मेथड को हम कहते हैं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एम एन। दूसरा मेथड है इसका नाम है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, इसको एम डब्ल्यू से एक्सप्रेस करते हैं वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को, और इसको एम डब्ल्यू बार से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका फार्मूला यही होगा एम आई। उसी तरह हम ये लेंगे एक्स एक्सेस में मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, एम आई की वैल्यूज़ दी हुई हैं, और वाई एक्सेस के अंदर वेट फ्रैक्शन या डब्ल्यू आई की वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसी तरह हम एम आई ले लेंगे, इसकी ये सेंटर वाली वैल्यू ले लेंगे, ये मिडिल वैल्यू आ जाएगी 5 + 10/2। इसी तरह इसकी ये मिडिल वाली वैल्यू आ जाएगी 10 + 15/2। इसी तरह इसकी ये मिडिल वाली वैल्यू आ जाएगी 15 + 20/2, और यहाँ पर ये मिडिल वाली वैल्यू आ जाएगी 20 + 25/2। जैसे हर एक की मिडिल वैल्यू ले लेंगे, और उसके सामने हम देखेंगे कि वेट फ्रैक्शन की कौन सी वैल्यू है, वाई एक्सिस के ऊपर हम देख लेंगे, और फिर इन तमाम की एवरेज ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एम डब्ल्यू। ये भी वही उसी तरह के मेथड है, मिलता जुलता है। कहता है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एम डब्ल्यू इज़ बेस्ड ऑन द वेट फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद इन द वेरियस साइज रेंजेस, इट इज़ कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, वेयर एम आई इज़ द मीन मॉलिक्यूलर वेट विद इन द साइज रेंज एंड डब्ल्यू आई इज़ अ वेट फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद इन द सेम साइज इंटरवल। ये है जी वो कर्व जो मॉलिक्यूलर वेट की कर्व है। मॉलिक्यूलर वेट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, मॉलिक्यूल का जो वेट है वो बढ़ता जा रहा है, फिर उसकी कर्व है वो नीचे आता जा रही है। ये कर्व रिप्रेजेंट कर रही है कि वेट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह एक्सपोनेंशियली राइज कर रही है, और एक्सपोनेंशियली इसकी जो रीजन है वो इसकी जो है वो डिके हो रहा है। और यहाँ पर अगर की जो पीक वैल्यू होगी वो आएगी नंबर एवरेज एम एन की वैल्यू आएगी, और यहाँ पर एक दूसरी वैल्यू आ जाएगी जिसे हम कहते हैं वेट एवरेज वाली एम डब्ल्यू। तो एम एन की वैल्यू यहाँ पर आएगी और एम डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर आएगी। ए टिपिकल मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद दीज मॉलिक्यूलर वेट एवरेजेस एम एन एंड एन डब्ल्यू इज शोन इन द फिगर। मैनी पॉलीमर प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड बाई द लेंथ ऑफ द पॉलीमर चेन। पॉलीमर प्रॉपर्टीज हैं वो लेंथ चेन पे डिपेंड करती हैं, इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती हैं। अगर कोई पॉलीमर है और उसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 है उसकी प्रॉपर्टीज़ और होंगी, अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 होगा उसकी वैल्यूज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज जाएंगी, और अगर 100,000 हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज जाएंगी। मैनी पॉलीमर प्रॉपर्टीज़ आर अफेक्टेड बाय द लेंथ ऑफ पॉलीमर चेन। जितनी पॉलीमर चेन की लेंथ ज़्यादा होती जाएगी मॉलिक्यूलर वेट उतना ज़्यादा हो जाएगा। एक तो उसने बताया कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उसी तरह बढ़ता जाएगा जिस तरह चेन लेंथ से बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल द मेल्टिंग और सॉफ्टनिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। मेल्टिंग टेम्परेचर भी वो कह रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है। एट रूम टेम्परेचर पॉलीमर्स विद वेरी शॉर्ट चेन्स हैविंग मॉलिक्यूलर वेट्स ऑन द ऑर्डर ऑफ 100 g/mol विल जनरली एग्जिस्ट एज लिक्विड्स। वो कहते हैं कि ऐसे पॉलीमर्स उनकी चेन्स बहुत शॉर्ट हैं और जिनका मॉलिक्यूलर वेट 100 से कम है वो आम तौर पे लिक्विड्स होते हैं। ऐसे पॉलीमर्स लिक्विड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पॉलीमर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करती हैं। पहले उसने कहा जी शॉर्ट चेंज जो मॉलिक्यूल्स हैं और जिनका मॉलिक्यूलर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 100 से कम है वो लिक्विड्स होंगे। दोज विद मॉलिक्यूलर वेट अप्रॉक्सीमेटली 1000 g/mol आर वैक्सी सॉलिड्स जैसे पैराफीन होता है एंड सॉफ्ट रीजन्स, तो वैक्सी सॉलिड्स होंगे अगर उनका मॉलिक्यूलर वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो है 1000 आ जाएगा। सॉलिड पॉलीमर्स और हाई पॉलीमर्स विच आर ऑफ प्राइम इंटरेस्ट हेयर, आमतौर पे हम सॉलिड पॉलीमर्स को ही यूज़ करते हैं जो पाउडर की फॉर्म में होते हैं या बीड्स की फॉर्म में होते हैं। कॉमनली है मॉलिक्यूलर वेट्स रेंजिंग फ्राम 10,000 एंड सेवरल मिलियन।
10,000 से ऊपर ऊपर जितने भी पॉलीमर्स होने हैं वो सारे के सारे हाई पॉलीमर्स होने और सॉलिड पॉलीमर्स होने हैं। दस द सेम पॉलीमर मटीरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इफ़ इट इज़ प्रोड्यूस्ड विद अ डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट। तो एक ही पॉलीमर है, अगर उसके मॉलिक्यूलर वेट 100 से कम होगा तो लिक्विड की फॉर्म में होगा, 1,000 तक हो वो फिर वैक्सीस होगा, और 10,000 के ऊपर जाएंगे तो फिर वो सॉलिड बन जाएगा। अदर प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर वेट इंक्लूड इलास्टिक मॉडुलस एंड स्ट्रेंथ। तो ये भी उसके ऊपर डिपेंड करती है, इलास्टिक मॉडुलस भी, और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात हो रही है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी इसके ऊपर डिपेंड करती है, इसकी चेन लेंथ के ऊपर। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड अल्टरनेट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एवरेज चेन साइज ऑफ पॉलीमर इज एज द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। एवरेज चेन साइज फाइंड करना, तो एवरेज चेन साइज को जब हम फाइंड करेंगे तो वो होगी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डीपी। डीपी रिप्रेजेंट्स एवरेज नंबर ऑफ रिपीट यूनिट्स इन ए चेन। एवरेज नंबर ऑफ रिपीट यूनिट्स अगर हमने फाइंड करनी है किसी मॉलिक्यूल किसी पॉलीमर के अंदर तो हम फाइंड करेंगे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज रिलेटेड टू द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट MN बाय द इक्वेशन। MN के साथ इसका रिलेशन है, अगर हम MN फाइंड कर लेंगे तो हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन फाइंड कर सकते हैं, और MN फाइंड करके हम M से डिवाइड कर देंगे। M क्या चीज़ है, M इज अ रिपीट यूनिट मॉलिक्यूलर वेट है, तो मॉलिक्यूलर वेट होगा, MN निकाल लेंगे, रेशियो ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जो कि बताती है एवरेज चेन साइज ऑफ पॉलीमर। ये एग्जांपल है जी 14.1, आप इसको देख लीजिएगा वहाँ पर है जाके। तो आपने फाइंड करना है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन फाइंड करना है, और तीसरा वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है, तीनों चीज़ें आपने फाइंड करनी है। अज्यूम दैट द मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन शोन इन द फिगर आर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई हैं पीवीसी की, और इस मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन से आपने क्या करना है फॉर दिस मटीरियल यानी पीवीसी के लिए, वी हैव टू कंप्यूट द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। MN हमने फाइंड करना है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन DP हमने फाइंड करना है, और तीसरा हमने फाइंड करना है द वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, और MW हमने फाइंड करना है, तीनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम फाइंड करते हैं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ये फिगर दी हुई थी हमारे पास, और इसी से हमने एक डाटा क्रिएट कर लिया, डाटा टेबल हमने बना लिया। डाटा टेबल में अगर हम देखें कि मॉलिक्यूलर वेट की जो रेंज है ग्राम पर मोल के अंदर, ये 0 से लेके 5 तक तो कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी स्पेस है, और 5 से लेके 10 तक, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया जी 5000 to 10000 ये रीजन। और इस रीजन के अंदर जो मीन वैल्यू है वो इसका जो MI है वो इसका सेंटर पॉइंट है, तो इसका सेंटर पॉइंट हम ले सकते हैं 5000 + 10000/2, तो ये आ गया 7500, ये MI की वैल्यू निकल आई। और इसमें XI की वैल्यू इसके सामने जाएं तो ये जो वैल्यू Y एक्सिस पे है, नंबर ऑफ फ्रैक्शन है, ये XI की वैल्यू है, तो XI की जो वैल्यू है वो आएगी यहाँ पे कहीं सेंटर में ही है तकरीबन, ये 0 है, ये 0.5 है, तो सेंटर में है तो 0.05 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया XI MI को, XI और MI दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया XI MI। फिर दूसरा इंटरवल ले लेते हैं 10000 to 15000, ये इंटरवल है, ये वाला इंटरवल है 10000 से लेके 15000 तक, और ये 10000 से 15000 तक आप इसकी MI ले लें यानी इनका सेंटर पॉइंट ले लें, 10000 + 15000/2 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 12500। और इसके सामने ये वैल्यू देख लें Y एक्सिस के ऊपर, ये देखें तो यहाँ पर कोई वैल्यू है 0.16, XI और MI को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2000 आंसर। तीसरा है इंटरवल 15000 to 20000, ये इंटरवल है, इसका मिड पॉइंट ले लें, दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें, और इसके सामने वैल्यू ले लें, ये देखें ये इसके सामने वैल्यू है, 0.2 से बड़ी 0.22 आ जाएगी, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3850 आंसर आ जाएगा। फिर अगला इंटरवल ले लें आपका 20 और 25 वाला, ये वाला जो इंटरवल है, इस इंटरवल का मिड पॉइंट ले लें, तो इसका मिड लेंगे 20 + 25/2 करेंगे तो इसका मिड आ जाएगा 22500। और इसके सामने XI की वैल्यू आप ले लें, ये देखिए इसके सामने ये वैल्यू होगी, यहाँ की वैल्यू होगी 0.2 और 0.3 के दरमियान,
तो एक्स आई की वैल्यू 0.27 है और ये फिर 6075 आ जाएगी। अगला इंटरवल जो है आप देखें, ये वाला अगला इंटरवल है, ये 25 और 30 का डिवाइड है, इसके अंदर इसका मिड पॉइंट ले लें, मिड पॉइंट लेके इसके सामने जो वैल्यू आ रही है ये 0.2 की ग्री वैल्यू है, 0.2 ही निकली, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें एक्स आई और एम आई को, तो ये आंसर आ जाएगा। अगला इंटरवल हमारा जो है वो 30 और 35 का है, इसका ये मिड पॉइंट ले लें, इन दोनों जमों को जमा करके दो से डिवाइड कर लें और सामने इसके जो है वो एक्स आई की वैल्यू है जो 0.1 से लेस होगी, तो ये 0.08 आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ जाएगा। अगला सेगमेंट 35 और 40 का है, 35 और 40,000 को आप ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और इसके सामने आप वाई एक्सिस पे वैल्यू ले लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा। अब आप तो जब आप इन दोनों का मीन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम एन, ये देखें एक्स आई और एम आई, और आपने इसका मीन ले लिया, तो मीन ले लिया तो ये देखें एम एन की वैल्यू आ जाएगी, ये फार्मूला। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया एवरेज नंबर मॉलिक्यूलर वेट, एम एन दिया हुआ है, हम एम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिग्री ऑफ पोलोमराइजेशन। इट इज़ फर्स्ट नेसेसिटी टू कंप्यूट द रिपीट यूनिट मॉलिक्यूलर वेट, ये रिपीट यूनिट मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ये डी पी होती है, डी पी, तो डी पी कहते हैं, डी पी को फाइंड फॉर पी वी सी ईच रिपीट यूनिट कंसिस्ट ऑफ टू, ये जो पी वी सी है, पी वी सी का ये मॉलिक्यूल है, आप देखें ये मॉलिक्यूल है पी वी सी का, तो पी वी सी के मॉलिक्यूल के अंदर आप देखें दो कार्बन के एटम हैं और 3 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 क्लोरीन के एटम है। हमने एम की वैल्यू फाइंड करनी है, एम इसकी एम की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, पी वी सी का अटोमिक वेट हमने फाइंड करना है और वो होगा एम, एम की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो एम एन की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, ये वाली एम एन की वैल्यू है 21150, यहाँ पर हम देख लेते हैं ये एम एन की वैल्यू यहाँ पर निकली हुई है 21150, एम एन की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है, तो एम एन की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमें एम की वैल्यू चाहिए, तो एम की वैल्यू के लिए पहले हमने पी वी सी का फार्मूला देखा, तो पी वी सी के फार्मूले के अंदर 2 कार्बन के एटम हैं, 3 हाइड्रोजन के एटम हैं, 1 क्लोरीन का, इसका हम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करते हैं। ये हमें पता है कि एटॉमिक वेट कार्बन का, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट है वो इतना इतना है, कार्बन का 12.01 है, हाइड्रोजन का 1.01 है और क्लोरीन का 35.45 है, ठीक है। और इसमें देखिए कार्बन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन के 3 एटम है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लोरीन का 1 एटम है, 1 से मल्टीप्लाई कर दें, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा एम का 16.5। तो एम एन को 16.5 से डिवाइड कर दें तो डिग्री ऑफ पोलोमराइजेशन हमारे पास आ जाएगा 338। फिर हमने लास्ट में हमने ऐड फाइंड करना है वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एम डब्ल्यू। एम डब्ल्यू के लिए ये इस तरह का ग्राफ दे दिया है हमें, क्वेश्चन में दे दिया है, इसी ग्राफ से हम ये टेबल बना लेंगे। इन टेबल के अंदर मॉलिक्यूलर वेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दी हुई है, वेट फ्रैक्शन डब्ल्यू आई की वैल्यू भी यहाँ पर दी हुई है। अच्छा, एक हमारे पास जो इंटरवल है वो 5 से लेकर 10 तक है, 5000 to 10000, ये ले लिया। दूसरा हमारे पास है जी 10 to 15000, ये देखिए 10 to 15000। तीसरा इंटरवल है जी हमारे पास 15 to 20, ये 15 to 20 है, उसके बाद 20 to 25 है, उसके बाद 30 to 30000 है, उसके बाद 30 to 35000 है, उसके बाद 35 to 40000। तो ये इंटरवल्स हमने ले लिए, मॉलिक्यूलर वेट के जो रेंजेस हैं वो हमने ले लिए। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एम आई की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी उसकी जो मिडिल वैल्यू है, जो एवरेज वैल्यू है, वो हमने फाइंड करनी है। तो इसकी एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, दोनों को ऐड कर देना है और 2 पर डिवाइड कर देना है, तो 5000 + 10000 ये आ जाएगा 7500 आ जाएगा, 10000 + 15000 / 2 ये आ जाएगा 12500, 15000 or 20000 की एवरेज वैल्यू आ जाएगी 17500। और इसी तरह सब की आपने एवरेज वैल्यूज़ ले लेनी है, तो ये इसकी मिडिल वैल्यू आ गई, यहाँ पर निकल गई। फिर आपने डब्ल्यू आई की वैल्यू लेनी है, डब्ल्यू आई की वैल्यू कैसे लेंगे कि ये इसकी जो मिडिल वैल्यू है उसके सामने हमने वाई एक्सिस पे देखना है वैल्यू कौन सी है। ये 5 से 10000 में ये जो डब्ल्यू आई की वैल्यू यहाँ पर कहीं होगी, 0 के करीब होगी, और ये है जी 0.02। दूसरे इंटरवल के अंदर ये वैल्यू देखें 0.1 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, आप देख सकते हैं ये 0.1 ही है। और तीसरे इंटरवल में जो 15 और 20 का है, आप स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रा करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.18। चौथा जो इंटरवल है उसमें आप देखें 0.3 के करीब वैल्यू होगी, तो ये 0.29 है।
और पांचवा इंटरवल जो है वो ये देखिए, पांचवा इंटरवल यहाँ पे आ जाएगा और इसकी वैल्यू है जी 0.26। जो छठा इंटरवल है वो 0.13 आई है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रा करें 0.13 आ जाएगी। और जो आखिरी सेगमेंट है आप स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो वो कहीं आ जाएगी 0.02। अगले स्टेप में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा डब्ल्यू आई एक्स आई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। दोनों को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम आपने फिल कर लेना है, ये कॉलम फिल करके आपने इसकी एवरेज वैल्यू ले ली है, तो जो एवरेज वैल्यू होगी वो एम डब्ल्यू बार होगी। और एम डब्ल्यू बार क्या होता है? वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो आप वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट भी आप ले सकते हैं और डिग्री ऑफ पोलमराइजेशन भी आप ले सकते हैं, और फिर आप नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट भी आप ले सकते हैं। तो एग्जांपल, पहली एग्जांपल थी, हमने इसको हल कर लिया। एक पैटर्न दिया हुआ था पॉलीविनाइल क्लोराइड का, और इस पॉलीविनाइल क्लोराइड के पैटर्न से ही हमने नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, डिग्री पोलमराइजेशन और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।